दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिनेवाप पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज के देश के कोरोना आंकड़ों से। भारत में बीते 24 घंटे में संक्रमण के 6,984 नए मामले, 247 लोगों की मौत, 8,000 से अधिक लोग हुए स्वस्थ। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में राहुल गांधी ने दिया स्थगन प्रस्ताव, मंत्री अजय टेनी की बर्खास्तगी की मांग। महाराष्ट्र राजस्थान में सबसे ज्यादा फैल रहा ओमिक्रॉन, देश में कुल संक्रमितों की संख्या फिर से बढ़ी। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 3 नए केस मिले, अब भारत में 64 केस मिल चुके। यूपी में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा का जौनपुर में दूसरा दिन आज, 5 रैलियों को करेंगे संबोधित। यूपी चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल, 6 आईपीएस अफसरों का हुआ ट्रांसफर। लखनऊ में विमान से टकराया पक्षी पायलट, ने करवाई सेफ लैंडिंग। पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत में स्थित मंदिर जाने के लिए 112 भारतीयों को जारी किया वीजा। 383 दिन बाद घर लौटे राकेश टिकैत, आंदोलन की वापसी पर बोले, ऊपर वाले पर छोड़ दो। 8,84,000 पंचायत प्रतिनिधियों पर आज सौगातों की बरसात, सीएम योगी करेंगे ऐलान। आज सैन्यधाम में शहीद परिवारों का सम्मान करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विपिन रावत पर रखा जाएगा नाम। पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय, बर्फीली हवाओं से दिल्ली एनसीआर में बढ़ेगी ठिठुरन, प्रदूषण से राहत नहीं। संगरूर में सीएम चन्नी का विरोध करे शिक्षकों पर पुलिसिया कहर, मुंह बंद कर गाड़ी में धकेला। तमिलनाडु में अन्ना दमुक के वरिष्ठ नेता पी थंगामणि के ठिकानों पर विजिलेंस के छापे, आए से अधिक संपत्ति का मामला। संसद सत्र में जया बच्चन ने कहा यूपी में चुनाव है इसीलिए अजय मिश्रा पर कार्रवाई नहीं कर रही सरकार। देश प्रदेश से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यूट्यूब सिटी वैप को। अगर आप भी कोई खबर या सूचना हम तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं जो कि आपको नीचे चल रही पट्टिका में नजर आ रहा होगा।